अब इस कपड़े पे हम सिलाई करेंगे, 20 दफा हमने फोल्ड किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप कारपेट पे सिलाई करोगे अच्छा तो ये जुड़ नहीं होगा। अच्छा तो ये टोटल एक मशीन 80 डिजाइन निकालता है। जी जी, ये मैंने फुल प्रेस कर दिया। ठीक है, ये देख ले, ऑटोमेटिक धागा डालता है ये। बिल्कुल यार, ये आप पीको चेक करें। ठीक है जी, नीचे भी आप देख ले। हाँ, ये नीचे भी उसका बिल्कुल नीचे का थोड़ा मुख्तलिफ है। चेक करवाने के कि व्यूअर्स को पता चले कि नीचे वाला धागा किस तरह है। हाँ जी, ये भी फुली ऑटोमेटिक है। फुली ऑटोमेटिक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इतने फंक्शन मैंने नहीं देखे कि मैं एक गाड़ी बना दिया। अभी ये देख ले, ये आप गाड़ी चेक करें, इसने गाड़ी बना दी है मशीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों की। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी कल हमने आपको ब्रांडेड शूज दिखाए थे और आज हम आपको लेके आए हैं बहुत ही जबरदस्त, इनके पास यूनिक सिलाई मशीन है, जापानी सिलाई मशीन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, तो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप का नंबर, अपनी लोकेशन और शॉप का नाम बताएं ताकि जो भी यहाँ पे आना चाह रहा है वो आपसे सामान ले, तो यहाँ पे भी आके वो ले सकते हैं आपसे। जी भाई, मेरा नाम सदाकत है। अच्छा, हमारा शॉप जो है पिशावर कारखानो शाह शॉपिंग सेंटर में है। ठीक है भाई, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0308-8282-925। अच्छा, जो भी ऑर्डर वगैरह होगा आप इस नंबर से लेंगे? जी सर जी। तो आपका डिलीवरी का क्या हिसाब किताब है? डिलीवरी ऑल पाकिस्तान कर सकते हैं, पर केजी पे 100 रुपए लेता है। ठीक है, ऑल पाकिस्तान 3-4 दिन में आपको मिल जाता है, वर्किंग डेज 3-4 दिन में मिलेगा। तो सदाकत भाई, हमें फिर अपने प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें कौन सी वाली सिलाई मशीन दिखाएंगे? ये देखे जापानी वाली है। ठीक है, ये करता है 10 डिजाइन। अच्छा, तो ये जापान की है जी, 10 डिजाइन करता है। डिजाइन करता है, यहाँ पे आपको नजर आएगा ये सब डिजाइन करता है। ये जो भी आपको नजर आ रही है, इसमें सादा सिलाई भी शामिल है, पीको भी है, और ये 2 एक्स्ट्रा डिजाइन है, और ये काज है। ठीक है, तो आप ये इकट्ठा गिनोगे तो ये 10 डिजाइन होता है। ठीक है भाई, और ये हर मशीन में 4 ऑप्शन जरूर होता है। कौन कौन सी वाली? पीको, काज और लाक और सादा सिलाई। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये सबसे सस्ता वाला मशीन है और कम डिजाइन वाला है। ठीक हो गया। ये मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है 300। 300 जी, और इसका प्राइस है 7,500। 7,500 रूपए। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसमें लाइट भी लगी हुई है जिसे बहुत आसानी से आप अपने रात में भी काम कर सकते हैं। तो इसका ये कौन से वाला फंक्शन है? ये नीचे से जब सिलाई खराब हो जाए तो यहाँ से सेट होता है, अगर ऊपर से खराब हो जाए तो फिर नीचे फिरकी के डब्बे से सेट हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं अभी सादा सिलाई। ठीक है, ये आप देख लें, हमने इसको कड़ा किया सादा सिलाई पे। ठीक है, ठीक है, तो अभी इस बटन को हम प्रेस करते हैं, ये देख लें, ये सादा सिलाई है। ये सादा सिलाई इसका, एक दफा सिलाई हो जाए ना तो मैं दिखा दूं। ये देख लो, ये आप चेक कर सकते हैं सिलाई, आप देख लें, ये सादा सिलाई है इसका। ठीक है, ठीक है जी जी। अभी हम दूसरा डिजाइन लेकर आते हैं, तो ये देखो इसका, इसको पीको कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो अभी इस पे हम ये पीको वाला डिजाइन करते हैं। तो पीको वाला डिजाइन है। अच्छा, ये इसका दूसरी डिजाइन है पीको वाला। जी जी। अच्छा, ये सिलाई दिखाई हमें किस तरह हुई है, ये पीको वाला, ये आप चेक कर सकते हैं, बड़ी साफ और बड़ी जबरदस्त सिलाई की। आप यहाँ पे लेकर आओगे तो नीचे वही डिजाइन करेगा। अच्छा, अभी आपको हम ये वाला डिजाइन करते हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा, तो आप देख ले, बहुत तेजी से लगा हुआ यार, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से। ये फुली ऑटोमेटिक है। फुली ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। ठीक है, ना पेडल की जरूरत है ना बस। ठीक हो गया, बटन प्रेस कर दो, स्टार्ट होती है, बटन प्रेस करो तो आप हो जाए। ये आप डिजाइन चेक करें, कितने जबरदस्त डिजाइन, फुली ऑटोमेटिक है ये। अच्छा तो, अच्छा भाई, इसकी वोल्टेज कितने है, कितना वोल्टेज लेता है? 110 जापानी 110 बिजली में आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी, और इसका अपना वोल्टेज जो है 60 है। अपना वोल्टेज 60 है, ठीक हो गया, चलता है 110 पे, चलता है 110 पे। ठीक हो गया, ठीक है भाई। इसने बुकरम पे तो बहुत जबरदस्त मतलब डिजाइन भी बनाया, सारी सिलाइयां भी की हैं, तो ये कपड़े पे किस तरह काम करता है भाई? अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कंबल पे भी सिलाई कर सकते हैं, तो ये जूट नहीं होगा। ठीक है, अभी आपके सामने ये कपड़े हम फोल्ड करते हैं, आप मेरे साथ गिन लो कि कितना बार फोल्ड किया और इस पे सिलाई ये करता है। चलें, आप हमें दिखाएं। तो ये देखो, ये हो गए एक। ठीक है,
ये दो, ठीक है, ये तीन, ठीक है, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। चौदह, तो चौदह तक हमने कपड़ा इकट्ठा किया। अभी इसके ऊपर हम सादा सिलाई करते हैं, ठीक है, आप करके दिखाएं। ये यार बहुत बहुत ही बड़ी बात है, इतने ज़्यादा फोल्ड करने के बाद भी अगर ये सिलाई करता है तो बहुत बेस्ट है। और प्राइस भी इसकी सिर्फ और सिर्फ 7000 है, 7500 है। ये देख ले, अभी मैंने इसको रख लिया, अभी देख ले। तो ये मैंने कर दिया, ये मैं इनको जरा क्लोज से दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर लें। इतना डबल किया हमने, 14 दफ़ा इस कपड़े को फोल्ड किया और फिर भी इस पर सिलाई हो गई है। तो मैं अगर आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में इस तरह मोटा कपड़ा नहीं है, बिल्कुल, तो ये झूठ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये छोटा सा छोटा मशीन है, इतना हाई क्वालिटी का काम करता है, ठीक है। तो बाकी हमारे पास और मशीनें भी अवेलेबल है, तो उन पे चलते हैं, वो वाला दिखाएं हमें जी भाई। तो ये कौन से वाला मशीन, क्या ये इसका ब्रदर मशीन है, टेंडी। अच्छा, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, टेंडी, ठीक है, ठीक है। ये करता है ये देख लो, ईटी डिजाइन करता है। अच्छा, ये 41 ये हो गए ना, ठीक है। और यहाँ से अभी आपको दिखाता हूँ 16, और ये हो गया 17, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ से शुरू होता है ये 18 जी, ठीक है, यहाँ 41 हो गया और यहाँ पे 80। अच्छा, तो ये टोटल एक मशीन 80 डिजाइन निकालता है। जी जी, क्या बात कर रहे हो यार, इतने ज्यादा डिजाइन। बस ज्यादातर लोग शौकीन होता है ना, जी तो जी जी जी, और ये एक ही मशीन में इतना ज्यादा ऑप्शन उसको दे रहा है। अच्छा, ये तरीका भी बता दो कि इसके किस तरह ये इसको इसमें डोरी वगैरह लगती है। भाई अगर मैं आपको बताऊं कि इसका डेटा मुकम्मल यूट्यूब में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आप, ये आपके चैनल पे? नहीं नहीं, आप गूगल पे जाओ बेशक या यूट्यूब पे जाओ, तो इसका क्लिप आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये मॉडल बता दें हमें, ब्रदर कंप्यूटराइज स्विंग मशीन दोगे साथ में टेंडी, ठीक है, नाम टेंडी है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक, आप ये यूट्यूब में दोगे तो ये इसका मुकम्मल क्लिप आपको आता है। अच्छा, ये तो हो गया 80 डिजाइन, इसके बाद ये डिस्प्ले पे क्या है इसका? ये आप देख लोगे जब हम इसको ऑन करते हैं, आपको जो मशीन चलाना है तो इसके बगैर नहीं लगाना। अच्छा, ये क्या चीज़ है इसकी? ये एडाप्टर है, ये 220 से 110 बिजली बनाता है, ठीक है, ठीक है। इसके बगैर नहीं लगाना। तो ये हमें उसी प्राइस में इसके साथ मिलेगा जिसमें ये मशीन होगी? जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ साथ एडाप्टर में मिलेगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, यहाँ पे एक, यहाँ दो, ये सारे इनसे आपको। अच्छा, स्टेप वाइज बताया हुआ है इन्होंने? जी जी, ठीक है। ये देखो, एक, दो, दो, और ये नीचे चले गए 3, ठीक है, ऊपर आओगे फिर 4, ठीक है, नीचे जाओगे इस तरह, ठीक तो है, ये 6, ठीक है। और एक बात और आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी मशीन में आप धागा डालता हो जी, तो पाँव ऊपर रखना पड़ता है ये वाला। अच्छा, तो आपको कोई एक मसला नहीं होगा, ठीक है। इसका फॉल्ट क्या होगा, अगर ये नीचे हो तो ये सिलाई बार बार टूट जाता है आपको, ठीक है, धागा, ठीक है, ठीक है। दूसरा बात ये होता है कि सिलाई में थोड़ा सा फॉल्ट आता है, फॉल्ट आता है। तो ये इसकी मतलब है, आप इसको ये केयर के साथ आप लगाएं, भाई ने पूरा तरीका भी बता दिया। और ये देख लो आप, ये 6 नंबर पे हम आ गए। हाँ जी, और इसमें ये फुल ऑटोमेटिक फंक्शन भी है जो यार, ये एक मिनट मैं जरा दूसरी साइड से जाता हूँ, ये हम दोबारा दिखाए कि इस वक्त का बड़ा मसला होता है, जो ज्यादा उम्र वाले होते हैं उनको नजर नहीं आता ना। ये देखो, तो ऑटोमेटिक धागा डाल देता है, ये ऑटोमेटिक धागा डालता है। जी, इधर। अच्छा, दोबारा करके दिखाएं भाई, हमें देख लो, ये मैंने फुल प्रेस कर दिया, ठीक है, ये देख ले, ऑटोमेटिक धागा डालता है ये, बिल्कुल यार ठीक हो गया, तो वो नजर वाला मसला भी नहीं है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, इसका ये तो हो गया, जब ऑन होगा तो इसके ये वाले जो बटन वगैरह हैं, तो ये किस चीज़ के लिए? ये यहाँ से आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ये 41 डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, इसके बिग साइड पे जो है 80 डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है, और ये 00 पे सादा सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर दोगे, जिस तरह वो टेलीफिल्म की सीट होती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर डालोगे तो नीचे वही डिज़ाइन ये करेगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली सिर्फ आपने कमांड देनी है? जी जी, ठीक है। मैंने अभी इस पे 10 नंबर डिजाइन लगाया, 10 नंबर पे डिजाइन ये वाला है, ठीक है। मैं एक दफा दिखा देता हूँ सबको,
ठीक है, ये वाला डिजाइन करके दिखाएं। शुरू कर दे, ये देख ले, ये इसका स्पीड है, यहाँ पे लेकर आओ भाई, ये और ज्यादा होता है। ये इसकी स्पीड जरा स्लो करना, स्पीड वाली जगह। अच्छा, ये बिल्कुल स्लो हो जाती है। हाँ। और बिल्कुल तेज करो, ये फुल स्पीड में हो गया जी। ये डिजाइन चेक करते हैं इसका, किस तरह डिजाइन किया इसने। तो ये वाले बटन के बारे में बता दें, ये बहुत यार कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है ये वाला। ये आप डिजाइन चेक कर लें, ये देख लें, ये मैंने इसको 10 नंबर डिजाइन लगा दिया, ये 10 नंबर डिजाइन, 10 नंबर वाला डिजाइन हो गया। इस पे और डिजाइन भी हम करते हैं, ठीक है। अभी कौन से वाला डिजाइन करके दिखा रहे हैं आप हमें? अभी करते हैं हम इस पे सादा सिलाई, ठीक है, सादा सिलाई आप देख लें, ठीक है। ये देख लो, इसका सादा सिलाई हो गया। ये मैं एक दफा सही करके दिखा दूं इनको। अच्छा, ये बटन किस चीज के लिए है, ये जो लगे हुए साथ? ये जो है, आप नीचे से धागा उठाना है तो इसको प्रेस कर दोगे, तो ये आप खुद भी देख ले, ठीक है। इसको मैंने प्रेस किया, नीचे चले गए सुई, तो फिर प्रेस करोगे तो ये नीचे से धागा यही उठा रहा है। इसका ये भी फंक्शन ऑटोमेटिक है जी। अच्छा, ये इसका रिवर्स का है, ठीक है। इस बटन को प्रेस करोगे तो कपड़ा पीछे लेकर आता है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक और है। ये इस बटन से ये मशीन ऑन ऑफ होता है, ठीक मतलब है, मतलब इससे रिवर्स आता है कपड़ा, इससे सुई नीचे जाती है, ऊपर जाती है, और इससे मतलब चलती है, ये चलती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सी चीज करने लगे इस पे हम? आप अभी करते हैं इस पे पीको, पीको करके दिखाएं, करते हैं तो आप देख ले, इतना तेज कर रहा है यार ये, तो ये देख ले, ये आप पीको चेक करें, डिजाइन कर रहा है, ठीक है जी। जी, ये नीचे भी आप देख ले, हाँ, ये नीचे भी इसका बिल्कुल नीचे का धागा जो है ये इसके थोड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है, इसीलिए हमने डाल दिया है कि व्यूअर्स को पता चले, सिर्फ चेक करवाने के लिए, चेक करवाने के कि व्यूअर्स को पता चले कि नीचे वाला धागा किस तरह है, ऊपर वाला, ठीक है। नंबर पे बच्चों का गाड़ी बनाता है ना, अच्छा, ये डिजाइन वगैरह बनाते हैं गाड़ियाँ वगैरह, तो ये 30 नंबर हम इसको देते हैं, ठीक है। तो आप देख ले नीचे, इंशाल्लाह ये डिजाइन बनाएगा, ठीक है। ये भी फुली ऑटोमेटिक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इतने फंक्शन मैंने नहीं देखे कभी। एक गाड़ी बना दिया, अभी ये देख लें, ये आप गाड़ी चेक करें, इसने गाड़ी बना दी है मशीन ने, बेबी के जो जैकेट पे बना लेता है, हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। मोटा, अच्छा भाई, हमने पहली जो मशीन दिखाई थी आपने, उसके बारे में तो आपने मतलब फोल्ड किया था 14 दफा एक कपड़े को, तो ये कितनी दफा फोल्ड करेंगे? तो ये देख ले आपके सामने, फिर गिन लेते हैं, ये हम, ये एक हो गए, ठीक है, दो, ठीक है, तीन, ठीक है, चार, ठीक है, पाँच, ये छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, ये तो चौदह से, पंद्रह, अच्छा, सोलह, ठीक है, सत्रह, ठीक है, अठारह, उन्नीस, ये हो गए बीस, बीस, बीस से पक्का कपड़े को खुद देख ले कि कितना मोटा कपड़ा है, चेक कर सकते, मैं जरा इनको दिखा दूं। अब इस कपड़े पे हम सिलाई करेंगे, 20 दफा हमने फोल्ड किया है और देखिए सिलाई कैसी होती है। ये आप चेक करें 20 पे सिलाई, और डिजाइन कौन सा बना रहे हैं या सादा सिलाई करते हैं कि उसको पता चले ना, ठीक है। ये चेक करें, अच्छा, स्पीड भी इसकी वही है जो एक सिंगल कपड़े पे थी। तो ये हमने 20 दफा कपड़े को फोल्ड किया है, देखते हैं कि अब इसको इस पे कैसे सिलाई करता है, ये इस पे दिखाएं। ये आप चेक करें, इतने मोटे कपड़े पे इसने, ये आप देखें, मैं आपकी इसको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये आप सिलाई चेक करें कितनी, और इसकी आप ये चेक करें, हमने 20 दफा कपड़े को फोल्ड किया,
आपके सामने। अच्छा भाई, लोग तो फिर जो लेते हैं सादा मशीन जो वो ब्लैक कलर की होती है वो कितने की आती है? वो भी आजकल आपको मिलेगा 10,000-12,000 इस तरह, पाकिस्तानी वाले 10-12,000 की आती है। तो बंदा फिर ये ले इससे अच्छा है। हाँ, ये डिजाइन भी ज्यादा करता है और मोटे से मोटे कपड़े पे भी सिलाई करता है। अगर मैं आपको बताऊँ की आप कारपेट पे सिलाई करोगे अच्छा ये जुड़ नहीं होगा। अच्छा, तो कारपेट भी करता है ये? जी जी, बड़ा जबरदस्त हिसाब किताब है इसका। अच्छा भाई, इसकी प्राइस वगैरह तो हमने बताई नहीं है, इसकी प्राइस क्या? ये वाला मशीन आपको मिलेगा 11,500 रुपए समेत अडाप्टर, सिर्फ और सिर्फ 11,500। सिर्फ 11,500। और वो सादा जो मशीन आती है वो भी 10,000-11,000 की? 10,000-11,000 का मिलता है। अच्छा, अगर ये मशीन में खराबी आ जाए तो आप वहाँ पे मतलब नहीं हो सकती तो आप उनको सही करवा के वापस भेज सकते हैं? बेशक बेशक। और इसके साथ क्या एहतियात करना है? अच्छा, इसको उल्टा नहीं घुमाना, ठीक है? ये वाली चीज इस तरह घुमाओगे कोई मसला नहीं करेगा। अगर आप उल्टा घुमाओगे तो इसका टाइमिंग आउट हो जाता है, ठीक है? और दूसरा बात ये कि एडाप्टर के बगैर नहीं लगाना, ठीक है? अगर इसके बगैर लगाओगे तो ये जल जाता है, ठीक है भाई? ठीक। बाकी मैं आपको 10 दिन वारंटी देता हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको रिटर्न कर सकते हैं। इसके बदले में हम आपको दूसरा मशीन भी, दूसरा मशीन देना पड़ेगा। मतलब ये रिटर्न करके ये नहीं है कि आप कहें कि अब हमें नहीं लेना, तो आपकी दूसरा मशीन आपको मिल जाए, उसको मिल जाए, ठीक है? बहुत जबरदस्त बात की है यार आपने, ये तो बहुत ऐसा। इसके बाद हमें कोई और मशीन दिखाई? मेरे पास और पड़ा हुआ है जो की, अच्छा, इसमें भी मेरे पास 4 मॉडल है, 4 मॉडल जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 580 मॉडल है, ठीक है? फिर इसके बाद 550 आता है, ठीक है? फिर वो सामने आपको नजर आता है 5,000 मॉडल, ठीक है? वो सामने जो नजर आ रहा है, ठीक है? और ये जो है ये 5,700 मॉडल है, 5,700 मॉडल, यानी ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है ये। और ये जो है ये लोहे में बना हुआ है, ठीक है? ये 18 डिजाइन करता है, 18 डिजाइन करता है, ठीक तो हो गया। जो लोग कब अपने घर में जो पर्दे वगैरह बना लेता है या कंबल सीट बना लेता है तो इससे वो बेशक बना सकता, मतलब यार जो भी सिलाई करने वाली चीज है ये सिलाई करता है, छोटी बड़ी चीज नहीं देखता है। जी जी, तो बिल्कुल, मैंने अभी चेक भी कर लिया। तो इनकी प्राइजेस वगैरह भी मॉडल के हिसाब से बता दें। जी सर, ये आपको मिलेगा 12,000 रुपए पे, ठीक है? समेत एडाप्टर, ठीक है? ठीक है जी। और इसके तरीका भी हम आपको बता देते हैं। आपसे आपने व्हाट्सएप का नंबर दिया है ना? जी, अगर जी। कोई यूज करना चाह रहा है तो आप इसको ऑन करके इनको दिखा दें कि ये कैसे यूज होता है, इसको कैसे यूज करना है। जी जी। तो इसके बाद इस वाले की कीमत बताएं जरा। ये और ये, मैं ये इसका और उसका एक ही डिजाइन है, 18 ये भी करता है वो भी करता है। अच्छा। वो भी आपको इस प्राइस पे मिलेगा, ये भी आपको, सिर्फ उसका डिजाइन चेंज है, मतलब है डिस्प्ले का चेंज आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो दूसरा वाला डिजाइन दिखाया था आपने, बड़े वाला, वो बड़े वाला जो है सबसे बड़ा है। हाँ जी। अच्छा सदाकत भाई, आपने हमें ये जो मशीनें दिखाई हैं बहुत ही जबरदस्त थी यार। मैंने यकीन करें मैंने जिंदगी में ऐसी मशीन नहीं देखी, ना ही मुझे इतना इंटरेस्ट था, लेकिन अब मैंने देखी है। लोगों ने कहा है कि यार मशीन पे होनी चाहिए जापानी मशीन, क्योंकि रेट सेम है, रेट आपने देख लिया। सादा पे वो जितना लोग थकते हैं, हमारी घर की औरतें हैं वो बार बार डालते हैं सुई, तो ये फुली ऑटोमेटिक है, ना इसमें कोई पैडल की चक्कर है, ना इसमें एडाप्टर ले लें, ये ले लें और ये काम आपका चल पड़ेगा। अच्छा, तो अगर कोई हमारा भाई या कोई बहन कारोबार करना चाह रहे हैं घर पे, जी, तो वो चाहते हैं कि यार इसमें 80 डिजाइन है, उसमें 10 डिजाइन है, उसमें 8 डिजाइन है, अगर वो खुद से रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें 5 डिजाइन वाला चाहिए, या हमें चाहिए 3 डिजाइन वाला, या हमें सादा चाहिए इसमें, ठीक है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी उनकी? सर इस तरह के इसमें ऑलरेडी 10 डिजाइन आता है, 10 डिजाइन से शुरू होता है 400 तक, ठीक है? करता है, ठीक है? तो बीच में 200 वाला डिजाइन भी आपको मिल सकता है, 100 डिजाइन वाला भी आपको मिल सकता है, और 10 से कम डिजाइन वाला नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? और 400 में और 10 डिजाइन में 4 ऑप्शन जरूर होता है, ठीक है? पीको, काज और लाख और सादा सिलाई, ठीक है? बाकी मेरे पास जितना भी मशीनें पड़ी, मैं एक दफा इनको ओवरऑल दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी दिखाया लेकिन अभी इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी मशीनें इनके पास है। इनके अलावा इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत जबरदस्त सामान पड़ा हुआ है, वो मैंने वीडियो अभी की है, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन 4 दिन बाद अगर लोग डिमांड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तो फिर मैं आपके पास आके आपसे ये वीडियो बनवा लूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये सारे सामान इनके पास। अच्छा, ये जो आपने हमें मशीन दिखाई है, ये ऐसा ना हो कि एक दो सेल हो जाए फिर आप लोगों को बोले कि यार ये तो खत्म हो गई है,
और नहीं है तो इनकी क्वांटिटी क्या आपके पास कितनी पड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है। अच्छा, लोग अगर दुकान के लिए मांगना चाहते तो इंशाल्लाह उसका डिमांड हम पूरा कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो ये तो बहुत जबरदस्त बात होगी। अच्छा जी, तो आप आज हमने जो वीडियो बनाई है, यकीन करें मुझे पिछली वीडियो में से इसमें वीडियो में बहुत मजा आया, क्योंकि ये एक यूनिक चीज थी, मैंने नहीं देखी थी ये चीज, और इतने डिजाइन मेरे दिमाग में भी नहीं थे कि इतने डिजाइन बनते होंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि ये इंग्लिश लिखाई करता है तो ये जुड़ नहीं, क्योंकि इसके ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, ये देख ले, ये आप चेक करें, ये ABC। अच्छा, अप टू जेड। ठीक तो है। अगर कोई नाम वगैरह लिखना चाहता है कपड़ों पे, ये डिजाइन करना चाहते हैं तो ये सारे डिजाइन मैं एक दफा इनको क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये 218 डिजाइन है टोटल, 218 डिजाइन। ये छोटा मशीन है, और अच्छा। बड़ा सा बड़ा जो कोने में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कोने में जो पड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ी से बड़ी मशीन है। ये 400 डिजाइन करता, 400 डिजाइन जी। ठीक हो गया यार, ये यकीन करें मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ है, और अगर जो देख रहा है उनके लिए नई चीज़ है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये पहले इस चीज़ के बारे में पता था, अगर पता था तो इस कीमत में पता था कि जो इस कीमत में हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि मैं भी, मुझे भी गाइडलाइन मिलेगी, भाई को भी पता लगेगा। तो अगर कोई हमारा कस्टमर आपसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, बार्गेनिंग करता है, तो आपको हमारे खातिर थोड़ा बहुत उसमें डिस्काउंट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जरूर करवा देंगे। बड़ी मेहरबानी भाई, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो बनाने आऊँगा तो इंशाल्लाह आपसे ही बनाऊँगा, और फिर मुलाकात होगी। अभी हमें दें इजाज़त, आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ, और ये जो हमारी वीडियो देख रहे हैं भाई, उनसे भी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।